सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के एक यूनिक वीडियो में आप हजरात का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ जिलानी की एम्प्लॉय बैठी हुई है सुगरा खान, और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। कई महीनों से हमारे साथ काम कर रही है और ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे इसे शेयर करें। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है सुगरा खान, सलाम वालेकुम। आप कहाँ रहते हैं? मैं गोंडी में रहती हूँ, डंपिंग। गवंडी, डंपिंग के पास रहते हैं। गवंडी से यहाँ पर रोजाना काम से काम के लिए आते हो, और यकीन मानो कितने महीने हो गए आपको यहाँ ज्वाइन करके? जिलानी 3 महीने हो गए। 3 महीने से जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की ये एम्प्लॉय हैं सुगरा खान, और ये गवंडी से सिवड़ी आती है। आने जाने में आपको या यहाँ पहुंचने में कितना देर लगता है आपको? 45 मिनट। 45 मिनट्स का सफर, 45 मिनट्स का सफर करती है ये बच्ची जो मेरे सामने बैठी है। इसका नाम सुगरा खान है। इसने SSC 62% में पास किया है, मगर ये काम कर रही है। आज ये मजबूर है कि ये काम करे। हालांकि इसकी उम्र ज्यादा है, इसने SSC थोड़ा सा लेट दी है और अभी इसकी उम्र ज्यादा 18 साल के ऊपर है। मगर इनसे और कुछ ऐसे तीखे सवाल करूंगा जो शायद इनको बुरे लगे, लेकिन मैं माजरत के साथ माफी चाहता हूं। ये बताइए कि आप स्कूल की पढ़ाई कर चुके हैं, SSC अच्छे नंबर से पास हुए हैं, फिर भी आप क्यों जॉब करना चाहते हैं? क्या बात है, आप एकदम सच बात बताइए। मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे आज मैं कुछ अपने हाथों से नहीं कर पा रही हूँ या कुछ घर की प्रॉब्लम्स है, तो कल को मुझे अपने घर वालों को बोलना ना पड़े या उनको कोई ऐसी परेशानी देना ना पड़े और मैं खुद अपने सारे काम कर लूँ। घर में परेशानी है, माँ बाप काम करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इनके माँ बाप क्या काम करते हैं, मुझे पता है, लेकिन व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चियां ऐसी है जो अच्छी पढ़ाई करती है, कर चुकी है और आगे पढ़ना चाहती है, मगर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कॉलरशिप भी लेना चाहती है तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो उनके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं होने की बुनियाद पर ये कहीं पर भी जॉब करती है। आप यहाँ पर कई महीनों से, 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, आपको यहाँ पर जॉब का परिसर कैसा लगता है? आपको यहाँ काम करने अच्छा लगता है? जी मुझे, और जो से जॉब ऑफर्स हुई है पहले, लेकिन कभी मेरा ऐसा दिल गवारा नहीं किया कि मैं वहाँ जाके काम करूँ, लेकिन यहाँ पर आके एक कंफर्टेबल हुआ। फिर सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं। एक कंफर्ट जोन में आ गई है, इनका कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन में आ गई है, इसके लिए यहाँ पर जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम कर रही है। तो व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपको जिलानी के साथ काम करने? मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत से सीनियर्स होते हैं जो अलग ही रहते हैं, अलग एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा करके पहले कुलसुम मेरे साथ में बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साजिद भाई मुझे कुछ ज्यादा अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं, हर चीज का एक नॉलेज देते हैं। मुझे कुछ नहीं समझता तो बेझिझक बोलते हैं हाँ मैं सिखाता हूँ, और वो सिखाते भी हैं। थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे हमारा वीडियो क्योंकि अजान हो रही है, और हम फिर से लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस्तकबाल है आपका एक वक्फे के बाद। माशाल्लाह हमारी बात चल रही थी सुगरा खान से और मैं इनसे सवाल कर रहा था। अब ये इम्पोर्टेंट है जानना, सुगरा खान आप यहाँ पर जब आए थे तो शायद आपको जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स और ट्रैवल्स के इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या क्या सीखा है? क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स में यहाँ पर आकर आपने क्या क्या सीखा है? बात करना सीखा, कॉन्फिडेंसली बात करना, और हाँ, और कस्टमर से कैसे बात करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। एक पोलाइटनेस जो इंसान के अंदर रहना चाहिए सबर के साथ, वो एक इंसान में रहना जरूरी है, जो कुछ नॉलेजमेंट होने के बाद ही हम सब सीख सकते हैं। तो मैंने आके सबसे पहले यहाँ पर वही सीखा। और इसके अलावा और क्या सीखा आपने? डिजाइनिंग करने आपको नहीं आती थी, आपने सीखा है? डिजाइनिंग करना सीखा है मैंने, बात करना सीखा है, और ऐसे बहुत से काम है जो मुझे नहीं आते थे। डिजाइनिंग का जब मुझे बोला गया कि तुम्हें डिजाइन पर सीखना है, वो टाइम पे मैं बहुत घबरा गई, क्या मैं कैसे करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं था और मैं चाहती भी नहीं थी कभी लाइफ में डिजाइनर बनूंगी, मेरे आगे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं जब रोज बैठती थी साजिद के साथ में, तो वो जो भी करता था सब मेरे सर के ऊपर से जाता था। फिर धीरे 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 जब मैं देखी क्या उसने क्या किया, कैसा सब ज्वाइन किया, फिर मैं एक बार खुद से बैठी हुई क्या कैसे नहीं होएगा, ट्राई करी, फिर हुआ धीरे धीरे। फिर सर ने भी मुझे बोले क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, तो वहाँ से जब वो मुझे बात जब सर ने बोले तो मुझे और कॉन्फिडेंट आया। फिर मैंने ट्राई की, फिर एक दिन वीडियो बनाई, फिर ये पैकेज बनाई, फिर वीडियो बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी भी सीख ही रही हूँ। आज बेसिकली बहुत सारे डिजाइन
सुग्रा भी कर लेती है और बहुत सारी चीजों को सीख भी चुकी है। यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से भी सिखाया है और आगे जाकर ऐसा हुनर भी दे दिया है कि अल्लाह ना करे कि यहां से कभी कहीं जाना पड़े तो ये इंशाल्लाह कभी भी जो है अपने हुनर से ये अपने घर में रोजी लेके आ सकते। क्या ये सही बात है? जी बेशक ये सही बात है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये एक छोटा सा वीडियो था एक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हमारी वो बच्चियां जो घर में बैठी हैं और जो काम कर सकती हैं और जिनके माँ बाप इजाजत दे सकते हैं उनको अपने बुरखे में। यहाँ पर ये भी एक सवाल करूंगा कि क्या आपको कभी भी यहाँ पर कोई नकाब के ताल्लुक से या बुरखे के ताल्लुक से या पर्दगी के ताल्लुक से बेपर्दगी के ताल्लुक से कोई मसला रहा, कोई आपको ऐसा किसी ने गुस्सा किया या आपको स्ट्रेस डाला या आपको प्रेशराइज किया कि आप इस तरीके से नहीं आ सकती है, ये दुपट्टा नहीं पहन सकती है इस तरीके से? आप ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ पर उस मामले में कितना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला और किस तरीके से आपने जॉब को अंजाम दिया। बेशक जब आप ये मुझे आपने सवाल किया तो मुझे वो दिन याद आ गया जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त आपने मुझसे ये बात बोले थे क्या यहाँ पर अगर आपको किसी से बात करना नहीं पसंद है तो आप मत करें, ऐसे आपने बहुत से ऐसा जवाब दिए थे जिसकी वजह से मैं और चाहने लगी कि मुझे जिलानी में ही काम करना है। आपने फिर बोले कि अगर आप पर्दा करते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात से ज़्यादा मैं खुश होकर यहाँ पर आई। वेरी गुड माशाल्लाह। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मिलते हैं एक और इंटरव्यू के साथ, जो हमारे और भी एम्प्लॉयज हैं इंशाल्लाह उनका भी आज नहीं तो कल इंटरव्यू होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सुग्रा के लिए जो हमारे साथ काम कर रही है जिलानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स की एम्प्लॉय है उसके लिए जरूर इसे शेयर करें ताकि ये आवाज ये बात ये अंदाज और ये चीज ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं हम जॉब जो है वो घर बैठे भी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ मोबाइल को रील्स के लिए यूज ना करें, वीडियो देखने के लिए यूज ना करें, बल्कि आप अगर काम कर सकते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएगी और आप उसे सीख भी सकोगे और इंशाल्लाह अपने घर में जो है आप रोजी भी लेके आ सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने जो माहौल में रखे मौला उस माहौल में हम सबको जो है रोजी रोजगार कमाने की तौफीक अता फरमाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया सुग्रा आपसे